ओके दोस्तों, नमस्कार सभी क्रिप्टो वेंडर्स, क्रिप्टो इन्वेस्ट के वेंडर्स और एसोसिएट्स को, एटीसी कॉइन एसोसिएट्स को नमस्कार। आज जैसा कि सुभाष सर ने कहा था कि मैं शाम को 7 बजे आज फिर से एक बार लाइव रहूंगा आप सब लोगों के बीच में, तो फिर से सुभाष सर एक बार हम सब लोगों के साथ लाइव है। और इसमें एक अपडेट मैं सबसे पहले देना चाहूंगा कि उनकी जो तबीयत है वो कल से अच्छी नहीं है, तो आज घर से ही हम लोग लाइव है और घर से ही अभी तक आराम कर रहे थे भाई साहब, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि वो अपना कमिटमेंट हमेशा पूरा करते हैं तो इस भी कमिटमेंट पे वो पूरे उतरे। उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ भी करूंगा, और फिर उन्होंने दवाई ली, इंजेक्शन लिया और अभी 7 बजे रेडी होकर के आप सब लोगों के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। और जो भी कुछ कल के कल कुछ चीजें डिक्लेयर करने के बाद, कल के एनिवर्सरी के बाद जो भी बातें हो रही है, अच्छी बातें हो रही है, बुरी बातें हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है, कुछ लोग नाराज है, कुछ लोग बहुत खुश है, इस सारे माहौल के मद्देनजर जो उनकी अपनी सोच है, वो क्या करना चाहते हैं और उन्होंने क्या प्लानिंग किया है, इसको स्पेसिफिकली आप तक लाने के लिए आज वो लाइव है। तो मैं चाहूंगा कि सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सुभाष सर आप लोगों के साथ में 2-4 मिनट बातें करें, सबके हालचाल और सारा इंटरेक्शन हो जाए, और उसके बाद हम लोग उस एजेंडा की ओर आगे बढ़ेंगे जिसको लेकर के आज हम लाइव है। अमित थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पहला तो क्षमा चाहूंगा कि कल कुछ मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा बैक पेन था, तो जो आपके साथ सेशन था ऑफिस में सेशन था, तो मैं सारी बातें नहीं कर पाया आप लोगों के साथ में, क्योंकि बैक पेन बहुत ज्यादा था। आज भी वही पोजिशन थी, तो बट थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया तो उससे काफी अच्छा रहा और उठ पाया हूँ। तो जैसे मैं सुबह उठा तो काफी लोगों को नाराजगी थी, कुछ लोग कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करेंगे उसके बारे में कि किस तरीके से ये है और किस तरीके से हमारा बिजनेस प्लान है, क्या कैरियर है कंपनी के साथ में, और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और जो वास्तव में हम आगे चल रहे हैं तो डिस्कशन करेंगे। और आप अपने क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, कोई भी आदमी जब हम लोग बताएं तो मैं सबका जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है क्वेश्चन आंसर का होना, लोगों का जवाब देना। जी अमित बताएं। सर सबसे पहले तो कल के बाद में जैसे कि आपने जैसे ही नया कॉइन डिक्लेयर किया कि अभी 1 रुपए वाला एक नया धमाकेदार कॉइन आप लोगों को मिलने जा रहा है जी, उसके बाद जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो सारी आप लोग आपने भी देखी फेसबुक पर, हम लोग भी देख रहे हैं कल से व्हाट्सएप पर फेसबुक पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आ रहे हैं, तो वास्तव में ये जो नया कॉइन अभी हम लोग लाने जा रहे हैं इसकी वजह क्या है, ये सबसे पहले सब लोग जानना चाहते हैं। अमित सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कल के फंक्शन के बारे में, तकरीबन 2000 जगह लोगों ने एटीसी का केक काट के और एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, तो ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि इतने लोगों ने एक साथ ही हमें मतलब बहुत बड़े फंक्शन में हाजिर हुए और एक अच्छा माहौल बनाया। अब बात आती है कि एटीसी कॉइन बेसिकली किसी भी करेंसी का या किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई क्या है, किस तरीके से डिमांड सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लोग समझने में टाइम लगता है, वक्त लगता है इस चीज को, और क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, नया आइडिया है। एटीसी जो था जो है उसका पोजिशन ये है कि अभी तक वो एक खुद एक करेंसी थी, धीरे धीरे वो मास्टर करेंसी बनती चली जा रही है। अमित मास्टर करेंसी क्या होती है कि एक पहले हम लोग बीटीसी से एटीसी परचेज करते थे या आईएनआर से एटीसी परचेज करते थे, अब वो वक्त आ गया है कि एटीसी से आप अदर करेंसी परचेज करके उनके साथ में ट्रेडिंग करें या उनके साथ में आप शॉपिंग करें। जैसे मैंने पहले बताया था हमने मोबाइल रिचार्ज है, शॉपिंग का है, इससे लाइव कर चुके हैं, लोग डेली का डेली शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, फ्लाइट टिकट हमने चालू किया है जो आज रात तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, शॉपिंग है आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं, और भी काफी चीज है जो इससे कर सकते हैं। एटीसी को अगर बड़ा बनाना है, एटीसी की अगर डिमांड क्रिएट करनी है, तो एटीसी को से यूटिलिटी सर्विसेज हमें लाइव करनी पड़ेंगी, उस एटीसी से अदर करेंसी परचेज कर सके वो माहौल बनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ, क्रिप्टो इनबॉक्स जो है वो एक मार्केट प्लेस है मल्टीपल सर्विसेज का, मल्टीपल करेंसीज का आईसीओ सेल करने का।
जैसे कि मैं बताया कि एटीसी कॉइन अपने आप में सेल आउट हो चुका है, और क्रिप्टो इनबॉक्स जो है वो एक आईसीओ का प्लेटफॉर्म है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओहो कैसे या एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आपको हर महीने कोई ना कोई करेंसी, हर महीने एक ना एक आईसीओ आपको लाने पड़ेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था, और हमने ये प्रावधान दिया है कि उस एटीसी कॉइन से जो मास्टर करेंसी बन चुकी है उससे आप अदर करेंसी परचेज कर सकते हैं। तो इससे एटीसी कॉइन की डिमांड बढ़ेगी ना कि घटेगी। जैसे आपने हमने एक कदम उठाया कल कि हमने क्रिप्टो इनबॉक्स के रेट को और ओहो केस के रेट को इक्वल किया, उसकी वजह से थोड़ा सा हंगामा हुआ, आज नहीं तो कल ये होना था, लेकिन उससे और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो अब जितने भी आईसीओ परचेज होंगे वो एटीसी कॉइन से परचेज होंगे, वो अरिस्टो कॉइन से परचेज होंगे, वो बीसीआई से परचेज होंगे, या जो भी करेंसी हमारे एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या जो भी हमारे पास क्रिप्टो इनबॉक्स में रजिस्टर्ड है, आप उससे आईसीओ परचेज कर सकते हैं। मीन्स हम लोग एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे मल्टीपल करेंसियों का भंडार है, या जो आईसीओ वहां पे आते हैं और आप उससे परचेज कर सकते हैं। एटीसी अब मास्टर करेंसी बन चुकी है, और मास्टर करेंसी बनने का मतलब है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे आज मैं देखने को मिला, अमित आप नहीं मानेंगे कि कल से आज तक तकरीबन INR ATC के अंदर 1 करोड़ की ट्रेडिंग हो चुकी है, और अभी तो 24 घंटे बाकी हैं, और मतलब रात 12 बजे तक तकरीबन 1.5 करोड़ की ट्रेडिंग हो जाएगी। 1.5 करोड़ की ट्रेडिंग का मतलब है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ INR ATC की बात कर रहा हूँ, जिसमें BTC में अलग वॉल्यूम है और दूसरी उसमें मतलब अरिस्टो में अलग वॉल्यूम हुआ है, BCI में अलग वॉल्यूम हो रहा है, तो ट्रेडर्स आ रहे हैं। हाँ, जो रेट्स की बात है, रेट्स जहां तक मेरा मानना है कि तकरीबन 2 महीने के अंदर जो 90 रुपए का रेट आज क्रिप्टो इनबॉक्स से नीचे आया है, यहाँ पे आया है, वो आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि अब जो एक्चुअल बायर्स हैं वो हमारे क्रिप्टो इनबॉक्स से बाई करके सीधा सीधा क्रिप्टो इनबॉक्स से मतलब सॉरी ओहो कैश से बाई करके क्रिप्टो इनबॉक्स में डिपॉजिट करेंगे उसको, और ट्रेडिंग करेंगे उस चीज को, यूज करेंगे। तो जहां तक मेरा मानना है कि 2 महीने में बहुत अच्छा रेट आएगा, और शायद मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि डिसीजन कुछ हार्ड होते हैं, जैसे नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में पब्लिक को परेशानी हुई, लेकिन जरूरी कदम था। उसी तरीके से हमने इस कदम को उठाया है कि रेट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए था, बहुत लोगों की डिमांड थी। और मैं पहले बता दूं कि मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा, जितने भी बायर्स हैं जितने भी लोग हैं वो अच्छा महसूस करेंगे कुछ दिन में, और आगे भी जाके अच्छा महसूस करेंगे। अमित सर, हम लोग एक्चुअली नया कॉइन, क्योंकि वो भी सब लोग जानना चाहते हैं, काफी सारे लोगों के कल से ये सवाल आ रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे कि नया कॉइन लाने की जरूरत क्या थी। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ATC है वो मास्टर कॉइन बन चुका है, अरिस्टो कॉइन है वो करीब 50% सेल आउट हो चुका है, BCI 20% सेल आउट हो चुका है, और बहुत जल्दी शायद 10-12 दिन के अंदर अरिस्टो कॉइन का हम डिपॉजिट बंद कर देंगे, तो आपको एक ऑप्शन देना पड़े और कि जो दूसरा कॉइन वहां पे हो, इत्तेफाक से ये कॉइन हमारा है तो ये हमने रजिस्टर कर दिया है, दूसरे कॉइन दूसरे कंपनियों के भी कॉइन आएंगे वहां पे, और दूसरे भी मार्केट के लोग आएंगे जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उसको भी हम सेल करेंगे। तो हमें जरूरत पड़ी इस चीज की कि हम अरिस्टो कॉइन का जो डिपॉजिट है, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी डिमांड काफी अच्छी आ रही है, तो काफी मतलब करीब 50% कॉइन सेल आउट हो चुके हैं, तो हमें उसको बंद करके एक नया कॉइन चाहिए था, और जो हमने यहाँ पे लेके आए हैं। तो इसका मतलब जिस तरीके से हमने ATC का डिपॉजिट बंद किया था, अभी अरिस्टो का भी डिपॉजिट आने वाले समय में बंद करना। हाँ, शायद बहुत जल्दी अरिस्टो कॉइन का डिपॉजिट बंद करके कि उसकी डिमांड, क्योंकि हम बहुत ज्यादा माल अगर बाजार में छोड़ेंगे या जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है या जो उसकी डिमांड वो होगा। बराबर है। तो सर अभी एक चीज तो पता चल गई सभी लोगों को कि नया कॉइन क्यों आ रहा है। अब इस नए कॉइन को जब भी आप करेंसी लाते हो उसका मकसद होता है सर्विस देना और सभी लोगों को एक बेहतर चीज और देना क्रिप्टो के माध्यम से। बेसिकली ये जो 1 रुपए वाला कॉइन आ रहा है, क्योंकि शुरुआत 28 मार्च 2017 को ATC की भी 1 रुपए से हुई थी, अभी जो आप ला रहे हैं उसकी शुरुआत 1 रुपए से हो रही है, इसके पीछे मकसद क्या है? बेसिकली क्या है कि आज क्रिप्टो करेंसी को लोग गांव-गांव तक पहचान गए हैं, जान गए हैं, समझदार हो गए हैं कि किस तरह कब हमें परचेज करनी चाहिए, किस तरीके से परचेज करनी चाहिए, उसकी यूटिलिटी क्या है, किस तरीके से है। तो मेरा मकसद यही है कि एक आम आदमी भी, एक गरीब आदमी भी क्रिप्टो करेंसी को एंजॉय कर सके, और उसका अच्छा मीन्स अगर आप देखेंगे
आज एटीसी का इतिहास आप देखें कि वो 110 तक गया एक्सचेंज के ऊपर। उसका एक कारण था कि उस टाइम पे 24 अगस्त को मुझे दिन याद है अच्छी तरीके से, मैंने कॉइन जो मेरे पास स्टॉक था वो खत्म हो गया था, मैंने बेचना बंद किया और वो पैनिक बाइंग थी, वो पैनिक बाइंग की वजह से वो रेट इतना पहुंचा था। आज जो रेट चल रहा है वो एक्चुअल रेट चल रहा है और धीरे धीरे शायद आई थिंक बहुत अच्छी पोजिशन पे हम लोग आएंगे। और जैसे मैंने बताया कि जो नया कॉइन लाने का हमारा मकसद है कि कम से कम भी जब कस्टमर्स बाय करता है तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हम अरेस्टो को बंद कर रहे हैं, उसका डिपॉजिट बंद कर रहे हैं, और क्योंकि जितना हमको सेल करना था उतनी क्वांटिटी के हिसाब से कुछ परसेंटेज हिसाब सेल कर चुके हैं, बाकी 2-3-4 महीने के बाद दोबारा हम उसको ओपन करेंगे। और एटीसी अपने आप में एक मास्टर करेंसी बन चुकी है, जैसे बिटकॉइन है इंडिया के लिए खासकर, और जब किसी करेंसी से दूसरी करेंसी परचेज की जाती है तो वो अपने आप में एक मास्टर करेंसी बन जाती है। जी बिल्कुल सर, और एक सवाल जो सबके मन में है, ये जो नया कॉइन आएगा 1 रुपए वाला जो 2 तारीख को आप लॉन्च करने जा रहे हैं जी, क्या ये भी एक्सचेंज पर उपलब्ध रहेगा? ये 100% जितने भी कॉइन होंगे वो एक्सचेंज पे उपलब्ध रहेंगे। आप एक्सचेंज से परचेज करके डिपॉजिट कर सकते हैं क्रिप्टो अनबॉक्स में, और क्रिप्टो अनबॉक्स से आप वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं ओ कैश के ऊपर और अदर एक्सचेंज के ऊपर भी, जितने भी दूसरा एक्सचेंज आ रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा ओ कैश के ऊपर है, इसलिए ओ कैश के बारे में जी। ओ कैश के पीछे का अभी, क्योंकि ओ कैश को लेकर काफी सारी बातें हैं, अच्छी बुरी कड़वी और मीठी सभी बातें हैं। ओ कैश का बेसिक मकसद क्या है? ट्रेडिंग, ये बेसिक मकसद कि सब लोग ट्रेडिंग करें या लोगों को विड्रॉल मिले, ये बेसिक मकसद? बेसिकली देखो दो चीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अर्निंग करते हैं, विड्रॉल करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग विड्रॉल करें, जितने उनकी रिक्वायरमेंट है वो विड्रॉल करें, बाकी ट्रेडिंग करें। उससे भी काफी बेनिफिट आपको, जब आपको नॉलेज होगा तो दूसरों को आप सिखा सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक दूसरों को आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि आप विड्रॉल करें जो भी आपको करना है, साथ साथ ट्रेडिंग भी करें कि किस तरीके से, क्योंकि नॉलेज सीखना बहुत जरूरी है, लोग सीख नहीं पाते। और मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत स्मूथ विड्रॉल जा रहा है, अभी हम एक आईडी के अंदर 2000 का विड्रॉल दे रहे हैं 500 रुपए पर वीक। आपकी जो आईडी है आप अकाउंट ओपन करो ओहो कैश के अंदर, मंडे से आपका लाइव ट्रांसफर चालू हो जाएगा क्रिप्टो इनबॉक्स से ओहो कैश में, और ओहो कैश से क्रिप्टो इनबॉक्स के लिए ब्लॉकचेन के द्वारा। तो आपको फिर वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरा विड्रॉल आया नहीं है, आप अपनी मर्जी से विड्रॉल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको विड्रॉल कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग फर्स्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारी खुद की ब्लॉकचेन बन चुकी है, टाइम लगता है, और मंडे से आप विड्रॉल कर सकते हैं। और अमित, क्योंकि मैं कल इसका अनाउंस करने जा रहा था बट तबीयत खराब होने की वजह से नहीं कर पाया था, कि हम लोग जो विड्रॉल लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2000 से लेके अब उसको हम 3000 पर मंथ कर रहे हैं, एक आईडी से आप 3000 विड्रॉल कर सकते हैं। और जो आप कॉइन ट्रांसफर करते हैं 50 कॉइन क्रिप्टो इनबॉक्स से ओहो कैश में, उसकी भी लिमिट को बढ़ा के हम 200 कॉइन का भी कर रहे हैं, और उसके बाद में जैसे जैसे परफॉर्मेंस उतरेगा, डिमांड सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी, हम उसको भी इंक्रीज करेंगे। मींस आज जो 50 कॉइन की लिमिट है उसको हम लोग 100 कॉइन का करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे। सर ये हो गया विड्रॉल का, डिपॉजिट एक INR से ओहो कैश में डिपॉजिट, एक सॉरी अमित, मिस्टर चिराग सुखीजा करके हैं, और ये काफी लोगों का क्वेश्चन है कि ये इंटरनल एक्सचेंज में कब आएंगे। जितने भी हमारे कॉइन है बहुत जल्दी, मतलब मे बी 10 से 12 दिन के अंदर 4 से 5 इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर हम इसको लिस्टेड करा रहे हैं। आप क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन में कुछ तकलीफ थी वो हमने अभी दूर कर ली है, ब्लॉकचेन तैयार हो चुकी है, एड्रेस जनरेट होना करना शुरू हो गए हैं, तो इसकी वजह से ही हमारा इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर जो था वो रुका हुआ था, तो अभी वो तैयार हो गया है। तो अब 10 से 15 दिन के अंदर 5 से 6 एक्सचेंज के ऊपर आप देखेंगे जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, ATC अरिस्टो के अलावा जो नया आने वाला कॉइन है वो भी हमें इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मिलेगा जी 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 15 से 20 दिन। जी 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 जिस सवाल पे हम लोग थे सर कि INR डिपॉजिट ओ कैश में, अमित सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे मैंने पहले बताया फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ उस चीज को, कि आप ओहो कैश के अंदर जाके आप अपना INR डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, बैंक डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगी। डिपॉजिट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि मैंने इतना पैसा, और कैश डिपॉजिट किसी का नहीं होगा, ओनली ऑनलाइन ट्रांसफर
आईएमपीएस आरटीएस वगैरह आप कर सकते हैं। कैश जो भी कैश आप डिपॉजिट करेंगे उसको हम काउंट नहीं करेंगे, आप ऑनलाइन ट्रांसफर आप हमें करें, करने के बाद आपको लिमिट मिलेगी, आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉइन एक्सचेंज परचेज कर सकते हैं और साथ साथ में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और जो लिमिट होगी, थोड़ा सा मैं अपडेट देना चाहूंगा कि जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 BTC डिपॉजिट करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 1 BTC विड्रॉल की होगी। अगर आप 50,000 डिपॉजिट करते हैं तो आपकी लिमिट 50,000 की होगी। आप 1,00,000 डिपॉजिट करते हैं तो आपकी लिमिट 1,00,000 की होगी। मीन्स जितना आप डिपॉजिट करते हैं उतनी आपकी लिमिट होगी, बशर्ते कि आप KYC कंप्लीट कर रहे हो। आपकी KYC कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। कुछ शिकायतें हैं लोगों की KYC कंप्लीट नहीं हो पा रही है, शायद आप मेल में भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट आईडी के साथ में, तो हम उसको ऑफलाइन KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन और लिए जाएं जो ऑनलाइन आ रहे हैं। विनोद यादव जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि ATC कॉइन रियल कॉइन है या रियल कॉइन है या माइनेबल कॉइन नहीं है। शशिकांत जी, ATC कॉइन रियल कॉइन है, ये POS है कम्प्लीटली। ATC कॉइन की वेबसाइट के ऊपर एक्सप्लोर है जो हमने लाइव कर दिया या आज रात को लाइव हो जाएगा। आप जितने ट्रांजेक्शन होंगे ब्लॉकचेन के द्वारा होंगे, ये 100% POS कॉइन है और जिसमें हम लोग माइन करते हैं, हमारा जो एड्रेस है वो जनरेट होता है। रिपल की टाइप की टेक्नोलॉजी है, खुद की हमारी टेक्नोलॉजी है। शायद कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ये चिराग हैं, चिराग पूछ रहे इंटरनेशनल का, तो उनको जवाब दे दिया है। आजाद सिंह जाकर हैं, ब्लॉकचेन वर्क नहीं कर रही है। आजाद, ये मेरे हिसाब से कल लिंक अपलोड कर देंगे ATC कॉइन की वेबसाइट में, तो ब्लॉकचेन आप देख सकते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। अनिल सागर कह रहे हैं कि 2,000 से 3,000। अनिल जी 100% बहुत जल्दी, धीरे धीरे और भी काफी कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि काफी चीजें हैं जिससे वो मिलेगा। पेंडिंग है 1 महीने से, जिनका भी विड्रॉल वगैरह पेंडिंग है हम मंडे ट्यूजडे तक सारा पेंडिंग क्लियर करेंगे, उसके बाद लाइव ट्रांसफर होगा, ब्लॉकचेन से ब्लॉकचेन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। रेनू श्रीवास्तव जी कह रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी हमने इंटीग्रेट कर दिया है, प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा सा काम करने में तकलीफ होती है, तकलीफ मीन्स काफी, एक एक्सचेंज बनाना, ब्लॉकचेन बनाना, सारा चीज बनाना, ये बहुत ही हार्ड वर्क है और जितना कोशिश हो सकता है हम उतना फास्ट कर रहे हैं इसको। शायद आप काफी चुके हैं, बाकी इन लोगों को हम देखेंगे कब से किस किस क्वेश्चन आंसर हैं। तो जवाहर जैन जी कह रहे हैं, जैन साहब नमस्कार, पहले बात तो आपको महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही मैं आप मोटिवेट करते हैं मुझे, और जो आपने कहा जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है कल तक उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं कि आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड SMS से मिलना शुरू हो जाए। अवधेश जी कह रहे हैं कि अरेस्टो और बिटकॉइन, ये बिटकॉइन इंप्रूव और ये दोनों दोनों कॉइन आपको कल से लाइव दिखाई देना चाहेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। शायद आप अमित, ये तो सवाल चलते रहेंगे सर, और कुछ सवाल हम लोग के पास भी ऐसे जो सभी के दिल के सवाल है। अब सर्विसेज की बात हम लोग करते हैं जी, थोड़ा रेस्ट है तो या प्लीज या सर्विसेज की बात हम लोग करते हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, और सर्विसेज आपने दी भी है, रिचार्ज यूटिलिटी की सर्विसेज दी और बिलिंग और सारी सर्विसेज भी आ रही है, तो ये सर्विसेज को जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो किन किन सर्विसेज को हम लोग फोकस कर रहे हैं बेसिकली, और उसके माध्यम से आपकी सोच क्या है कि सर्विसेज क्यों लेना चाहिए सब लोगों ने? बेसिकली अमित, मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि करेंसी तो हमने बनाए, करेंसी तो हमने चालू किया, एक्सचेंज भी चालू किया। काफी लोग ऐसे होते हैं कि यह हर आदमी का एक अलग अलग तरीका होता है कि मैं करेंसी सेल कर सकता हूँ, दूसरा कहता है कि मुझे मोबाइल रिचार्ज सेल करना, तीसरा कहता है मुझे शॉपिंग के प्रोडक्ट सेल करने, तीसरा चौथा कहता है मुझे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट सेल करने। तो हमने ये निर्णय लिया कि क्योंकि नेटवर्कर जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, हर अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं,
हम सबको बांध के रखें, उसके लिए हमने क्या किया है कि आपको मल्टीपल सर्विसेज, मतलब आपको रिचार्ज चाहिए, आपको ग्रोसरी चाहिए, आपको ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोडक्ट चाहिए, आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए, आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको अलग जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग धीरे धीरे अभी गारमेंट्स चाहिए आपको, या आपको हॉलीडे पैकेज चाहिए, वो सारा का सारा आप INR से क्रिप्टो इनबॉक्स में परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप खुद के लिए उसको यूज करें या दूसरों के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज करें, आप उसको उसी तरीके कमीशन मिलेगा जैसे आपको अदर प्रोडक्ट्स में मिलता है। मीन्स 15 लेवल तक आपको लेवल कमीशन उसके अंदर मिलेगा, वीकली कमीशन मिलेगा और INR में कमीशन मिलेगा TDS काट के, आपको TDS कटेगा उसके अंदर, और वो जो प्रोडक्ट आप सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, जो कमीशन यूज कर रहे हैं, उस कमीशन पर TDS काट के हम आपको क्रेडिट देंगे वीकली। बिल्कुल, और अभी सर्विसेज के साथ साथ में ऑनलाइन शॉपिंग, उसके बारे में आपने जानकारी दी थी, ऑनलाइन शॉपिंग भी स्टार्ट हो गया, तो ऑनलाइन शॉपिंग में कितने सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और कितने समय मिल सकते हैं? देखो, ऑनलाइन शॉपिंग में गारमेंट्स को हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, जो शायद ऐड होने शुरू हो गए हैं दोनों साइड के ऊपर। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि ओहो कैश में जो कमीशन है, ओहो कैश के अंदर आप शॉपिंग करते हैं, मोबाइल रिचार्ज का है या शॉपिंग का है, उसमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का। अगर आप क्रिप्टो इनबॉक्स से शॉपिंग करते हैं तो आपको जो लेवल कमीशन है वो भी मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज है वो भी मिलेगा। तो मतलब सारी सर्विसेज शायद कल से अभी प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हैं गारमेंट्स वाले, और सबसे बड़ी चीज क्या अमित, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप 100% क्रिप्टो करेंसी यूज करके परचेज कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि आपको कुछ INR देना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि 100% INR से मिलेंगे, और कमीशन आपको अगर क्रिप्टो बॉक्स से है या INR से, उसी तरीके से कमीशन आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा अप टू 15 लेवल तक का। मतलब आप INR से भी परचेज कर सकते हैं और आप क्रिप्टो बॉक्स से भी, मतलब क्रिप्टो करेंसी से परचेस कर सकते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इसके अंदर साइट के अंदर, और उस पे कमीशन भी हम लोग जनरेट करेंगे। बिल्कुल सर, ये तो बात है, मेरे ख्याल से और कुछ सवाल आ गए हैं। जी जी जी, मैं वही देख रहा हूँ, मनीष कुमार श्रीवास्तव है, एक्चुअल में लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं कि गूगल ऑथेंटिकेशन में मोबाइल लॉस्ट हो गया है, तो हम उसको जिसका भी गूगल ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम है हमको ईमेल लिखें, अपने ऑथराइज जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और सपोर्ट्स ओहो कैश के ऊपर, तुरंत आपका जो ऑथेंटिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। चिराग का एक चीज है, जो चिराग है, चिराग सुखीजा, वो कह रहे हैं कि रिकंसिलेशन का, जैसे मैंने पहले ही बताया था, दो हमारे पास पेंडिंग है कि नोवा के कॉइन पेंडिंग है जो नोवा एक्सचेंज के ऊपर है, तो हम नेक्स्ट वीक तक हमारी कोशिश है कि नोवा के एक्सचेंज कॉइन आपको हम लोग, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक चेन में कॉइन थे वो सब आ चुके हैं वापस, सिर्फ उनको क्योंकि वक्त नहीं था, दूसरे कामों में बिजी थे, तो नोवा के जो कॉइन है वो हम नेक्स्ट वीक में आपको क्रिएट कर देंगे, और जो रिकंसिलेशन का है उसमें और 15-20 दिन का टाइम जाएगा, क्योंकि एक एक कस्टमर का हमको रिकंसिलेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी को पैसा ज्यादा अननेसेसरी का किसी का लॉस भी ना हो कोई ट्रांजेक्शन, और हमारा भी लॉस ना हो, इसलिए हमने थोड़ा टाइम दे रहे हैं। अंकुर भाटी है, ये शायद ग्रेटर नोएडा से हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो सॉल्यूशन करो लोगों का। अंकुर, ये 100% सेक्स सही बात है कि आज बैक पेन होने की वजह से भी मैं घर पे था और घर से मैं लाइव हुआ, अमित को मैंने रिक्वेस्ट किया भाई यहीं पे आ जाओ, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ही है। एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज क्या है, मुझे अभी देखो फैक्ट बात तो ये कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है कि कारण क्या है। सिर्फ एजुकेशन का कारण है, हमें आपको ट्रेंड करना है कि किस तरीके से विड्रॉल लेना है, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, किस सिस्टम सारा स्मूथ चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एजुकेट करना है आप लोगों को कि किस तरीके से ओहो कैश पे अकाउंट करना है, किस तरीके से दूसरे पे है। बार बार लोग कहते हैं कि ये ATC का भविष्य क्या है, शायद अपने आप ही अमित अब मालूम पड़ने लग गया है कि ATC अपने आप में मास्टर करेंसी बन चुकी है, जिससे एक करेंसी से अगर दूसरी करेंसी परचेज की जाती है तो वो अपने आप मास्टर करेंसी बन जाती है, और जब मास्टर करेंसी बनती है तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो आने वाले समय में ATC का जो भविष्य बहुत बढ़िया है, और जैसे कल लोगों ने कुछ कहा था कि ATC के बारे में कुछ बोलिएगा, कि ATC अपने आप में एक मास्टर करेंसी बनने के साथ साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले समय में। जी बिल्कुल सर, और भी कुछ सवाल है, लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मैं सबके तरफ से ये बात पूछ रहा हूँ, सभी लीडर से मेरी बातचीत होती रहती है,
ढेर सारी चीजें आती रहती हैं एटीसी के बारे में, और आप सभी चीजों का सवाल, सभी सवालों के जवाब आप देते हैं, जिनका विश्वास एटीसी के कंसेप्ट में है, जिनका विश्वास क्रिप्टो इनबॉक्स में है, जिनका विश्वास सुभाष सर में है, वो अड़ीग है, उनको कोई हिला नहीं सकता जी जी, लेकिन कोशिश लोग करते रहते हैं। तो हम जो एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड नॉलेज ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ओटीवी के माध्यम से, कल टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, नेट की वजह से ओटीवी लॉन्च नहीं हो पाया, आज आपकी तबीयत की वजह से हम लोग ओटीवी पे लाइव नहीं आ पाए, ओटीवी पे लोगों को क्या क्या ऐसा मिलेगा जिससे कि उनको मार्केट में किसी भी और यूट्यूबर, किसी भी और ऑडियो वीडियो को देखने की सुनने की जरूरत ना पड़े, ऐसा क्या नॉलेज हम ओटीवी के माध्यम से देने जा रहे हैं? अमित, सबसे पहले तो जो भी हमारी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होंगी वो सब ओटीवी पे होंगी। दूसरा, इस ओटीवी को हमने सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बनाया, हम यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको कि हमने बहुत अच्छा स्टूडियो तैयार किया है बॉम्बे के अंदर ऑफिस में, उसके अंदर हम लोगों को इनवाइट करेंगे जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिबेट करेंगे। डिबेट मीन्स अगर मेडिकल के ऊपर करना है, या हेल्थ वाइज अगर डिबेट करना है, या बिजनेस के ऊपर डिबेट करना है, या सोशल सोसाइटी के ऊपर डिबेट करना है, तो आपको ओहो टीवी के अंदर वो सारी सारी वीडियोस मिलेंगी, या लाइव टीवी होगा जिसमें एक हम आम आदमी तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, क्योंकि आने वाला जो समय है वो जब पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब सोशल मीडिया है जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। ये फैक्ट बात है कि आज कुछ नॉर्म्स की वजह से सोशल मीडिया में काफी कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो कंटेंट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं बताया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी था, यूएस में भी था, तो वहां पे कानून बहुत ही स्ट्रांग है कि कोई भी अगर किसी के बारे में कमेंट्स करता है तो बहुत हैवी पेनल्टीज और तकलीफें होती हैं गलत करने में। जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ी गलत कमेंट्स करने के लिए, तो उसी तरीके से काफी चीज ऐसी है जिसके अंदर हम लोग वो सारा सारा लेके आ रहे हैं। तो ओहो टीवी में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, इंटरटेनमेंट मिलेगा आपको, न्यूज मिलेंगी, बिजनेस न्यूज मिलेंगी, हेल्थ वाइज आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको बिजनेस आइडियाज मिलेंगे वहां पे, वो सारी सारी चीज वहां पे देखने को मिलेगी जो एक आम आदमी को चाहिए। बिल्कुल, सारा मोटिवेशन और सारा इंफॉर्मेशन सब कुछ ओटीवी के माध्यम से मिल जाएगा। हाँ, दीपक जी कह रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं कि दीपक मलानी जी कह रहे हैं कि मोबाइल ऐप, दीपक जी एक्चुअल में हमारा कोशिश है कि बहुत जल्दी इसकी मोबाइल ऐप बनाई जाए, काम उसके ऊपर चालू है, ऑलरेडी 70-80% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो साइड है ऑलरेडी मोबाइल रेस्पॉन्सिव साइड है, उसमें काफी अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट बहुत जल्दी हम लोग मोबाइल ऐप बना रहे हैं जिसमें सारे पार्टनर को भी हम मोबाइल ऐप प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कुछ शोभित गौतम जी हैं कि मैं ट्रेडिंग करके अगर 2-3 लाख आरएस करना चाहूं रुपीस का फायदा जब विड्रॉल, तो शोभित जी देखो मैं आपको फैक्ट बता दूं, हमारी लिमिट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो क्रिप्टो इनबॉक्स के कस्टमर है उनकी लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और जो ट्रेडर्स लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनकी अनलिमिटेड लिमिट होगी। मीन्स अनलिमिटेड मीन्स जो नॉर्म्स के हिसाब से 50,000 पर डे का है, वो क्या होगा कि आपने जितना डिपॉजिट किया उतना विड्रॉल उसमें से कर सकते हैं, जितना भी आप ट्रेडिंग में अर्न करेंगे वो 100% अर्न कर सकते हैं। और हमारी कोशिश उनके लिए भी रहेगी जो हमारे क्रिप्टो के मेंबर है, जो उनका प्रॉफिट है वो 100% अपने प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं, जो उन्होंने कॉइन वहां पर लिया है ट्रेडिंग के लिए है उसको अलावा हम जो बेनिफिट हम देंगे, हमारी कोशिश है कि एनालिसिस करके जो भी आपका प्रॉफिट है जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं वो पूरा विड्रॉल कर ले, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसा हम प्लानिंग कर रहे हैं। शोभित जी शायद आपको जवाब मिल गया होगा मेरी बात से। रॉयल्टी, राहुल कुटे जी कह रहे हैं कि रॉयल्टी और आरओआई कब, मेरे हिसाब से सब क्लियर हो चुका है, कोई पेंडिंग नहीं है। एवी बाबू जी कह रहे हैं कि बीटीसी का विड्रॉल, हम बहुत जल्दी बीटीसी और मल्टीपल करेंसी का विड्रॉल चालू कर रहे हैं, आपको रिपल चाहिए रिपल मिलेगा, आपको इथेरियम चाहिए इथेरियम मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप पहले बीटीसी चालू करेंगे फिर रिपल चालू करेंगे, वो सारी सारी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ शायद जेपी शर्मा जी हैं, आपकी तबीयत,
अरे तबीयत तो मेरी बहुत बढ़िया है, अच्छी तबीयत है शर्मा जी। और दीपक वर्मा जी कहते हैं अरिस्टो बीसीआई एटीसी तीनों का फ्यूचर रोड मैप वेबसाइट पे करो। 100% सही बात है। हम जरूर इसके ऊपर एक जो व्हाइट पेपर है कि ये कॉइन किस में काम आएगा, किस तरीके से वर्किंग करेगा, इसका जो व्हाइट पेपर है हम लाइव करेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दीपक जी। नीलेश राजपूत जी कह रहे हैं कि रॉयल्टी के लिए कुछ रूल बनाए हैं, ये 100% आज हमारे काफी डिस्कस हुई है, कुछ हम नियम बना रहे हैं रॉयल्टी के लिए, तो बहुत जल्दी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत जल्दी हम इसको विक्रम जी कह रहे हैं, विक्रम नागरे जी की जो पिन का प्रॉब्लम है साइट स्वाइथिंग, जो ट्रांजेक्शन पिन है वो अभी हम लोग जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे कल से, मैं आज अपनी टीम को बताता हूँ कि उसकी पिन तुरंत आपको मिल जाए एसएमएस के द्वारा। अजहर जी कह रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, मैंने बताया कि 15 से 20 दिन के अंदर हम 4-5 इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर इस कॉइन को रजिस्टर करेंगे जिसमें आपको फायदा मिल सकता है। सैयद साहब करें 10 की सदी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको चीफ मिनिस्टर जी ने बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया मीडिया के लिए, उसके लिए आपको मुबारकबाद। और रही बात ट्रेनिंग के लिए, हम लोग अभी जैसे मैंने बताया था ओहो टीवी का हमने एक न्यूज चैनल चालू किया है और वहां पे हम ट्रेनिंग मतलब अभी हम लोग मीडिया के द्वारा मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू करेंगे, धीरे धीरे फिजिकल ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे कि जो लोग ऑनलाइन अच्छा समझ सकते हैं तो उनको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वेब सेमिनार करके वो ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, सेकेंड फेज में हम फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना करना चाहेंगे 10 KG। शायद मेरे हिसाब से काफी लोगों के, नुमान अली जी कह रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्ट में रिचार्ज ऑप्शन कब शुरू होगा। नुमान जी ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर दिया है और शायद मंडे से, मैक्सिमम मंडे से आप रिचार्ज वहां पे कर सकते हो, और रिचार्ज के साथ साथ कमीशन भी मिलेगा उसके ऊपर। अभी 15 लेवल तक जो भी आप रिचार्ज करेंगे उसमें 15 लेवल तक आपकी टीम रिचार्ज करेगी या आप रिचार्ज करेंगे, उस सबके ऊपर आपको टीम का भी कमीशन मिलेगा और आपका भी कमीशन मिलेगा। क्रॉस लेग क्रिप्टो इनबॉक्स साइट पे क्रॉस लेग कब ओपन होगा, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज माने कि जब आप कॉइन क्रिप्टो इनबॉक्स से ओहो कैश पर ट्रांसफर करते हैं तो आप वो कॉइन किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप क्रॉस को दो या उसको दो, अब उसमें कोई, क्योंकि जब रेट इक्वल हो गए हैं, सिस्टम इक्वल हो गया है, तो क्रॉस लेग का कोई मतलब कहता है कि आप जितने भी कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं ओहो कैश पे वहां पे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है क्रिप्टो साइट पे एटीसी कॉइन से ऑल सर्विसेज फैसिलिटी कब तक हुआ, मैंने बताया आपको कि मंडे से, वैसे कल से काफी सर्विसेज लाइव हो रही हैं लेकिन मंडे से मैक्सिमम आपको सारी सर्विसेज क्रिप्टो इनबॉक्स पे मिलेगी, जैसे मोबाइल रिचार्ज है, बिल पेमेंट है, फ्लाइट टिकट है, तुम्हारा बिल पेमेंट है, शॉपिंग है, आपको गारमेंट्स परचेज है, वो सारी सारी चीज वहां से आपको मिलेंगे। प्रोफाइल अपडेट का ये बहुत लोगों के रिक्वायरमेंट है कि भाई जो प्रोफाइल अपडेट है अमित, मोबाइल नंबर चेंज तो हो रहा है लेकिन हमारा प्रोसेस जैसे प्रोफाइल अपडेट आपको करना है तो हम उसमें आपको ऑप्शन देंगे कि आप वहां से प्रोफाइल अपडेट कर सकें और सिक्योरिटी के साथ में, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिला है कि कुछ लोग अपने कॉइन को या अपने आईडी को किसी के नाम ट्रांसफर कर देते थे बहुत इजीली, बाद में वो जिसका आईडी था वो हमें कंप्लेंट करता जी मेरी आईडी ट्रांसफर हो गई, तो इसको रोकने के लिए हमने ये ऐसा किया है। शायद बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अनुमान ने लिखे हैं क्रिप्टो इनबॉक्स पे क्रॉस लेग से कॉइन, इनका शायद क्वेश्चन चला गया। ये उनका एक बड़ा अच्छा सवाल था कि क्या एटीसी कॉइन का, आखिरी सवाल था उनका, एटीसी कॉइन का रेट बढ़ाने के लिए न्यू कॉइन लाया गया है, ऐसे नुमान जी का सवाल था। शायद बेसिकली ये तो फैक्ट बात है, जब मास्टर करेंसी होती है तो अपने आप ही एटीसी का रेट बढ़ेगा, तो एटीसी के कॉइन को रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग अदर करेंसी लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब डिमांड सप्लाई उसकी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली सो आई थिंक एटीसी का रेट बढ़ेगा, और शायद ये भी एक कारण है अमित कि हमें कॉइन लाना पड़ा उसका रेट इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि बायर्स धीरे धीरे आएंगे बायर्स, और दो कारण होंगे एटीसी का रेट बढ़ने के लिए, एक तो एटीसी कॉइन से शॉपिंग होगा, दूसरा एटीसी कॉइन से सोलर प्रोजेक्ट हमारा है वो आएगा, तीसरा इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ही रजिस्टर्ड हो रहा है, और चौथा अपने आप में एक मास्टर करेंसी बन चुकी है, और जब मास्टर करेंसी होती है तो मास्टर ही होता है, तो उसके रेट अपने आप बढ़ते हैं।
शायद अवधेश जी कह रहे हैं क्या नया स्टार्ट एटीसी में सब आधी बात समझ में नहीं आई अवधेश जी, सॉरी आपकी। आज क्या नया है स्टार्ट एटीसी? आज काफी चीज नई है, आप देख रहे होंगे नया लुक दिया है हमने एटीसी की क्रिप्टो इनबॉक्स की साइड में, ब्लॉकचेन लाइव की है, एड्रेस जनरेट होने शुरू हो गए हैं और काफी चीज है। शायद पप्पूराम मीना जी, क्योंकि पप्पूराम जी राजस्थान रहते हैं, जॉब करते हैं हैदराबाद में साउथ में, तो उनको फ्लाइट यूज करनी पड़ती है, तो फ्लाइट बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं मीना जी, शायद मंडे से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर और एटीसी कॉइन ओहो कैश के ऊपर, दोनों के ऊपर फ्लाइट आपको मंडे से मिल जाएगा। मोबाइल रिचार्ज एटीसी से आजाद, किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओहो टू ओहो कॉइन ट्रांसफर कब चालू होगा? विक्रम जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ओहो टू ओहो हम लोग इंटरनल ट्रांसफर भी शुरू कर रहे हैं कि आपके पास में अगर आपका यूजर्स है तो सेम ओहो टू ओहो जो यूजर्स हैं वो इंटरनल ट्रांसफर पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम है, अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग यूजर टू यूजर ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। कुछ और देख लेते हैं, परमवीर भाई साहब कह रहे हैं, परमवीर बेदी जी रेल टिकट 100% इससे रेल टिकट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको हमारा B2B का एजेंट बनना पड़ेगा। एक अच्छी इंफॉर्मेशन दो अमित, जो भी क्रिप्टो इनबॉक्स के मेंबर हैं और वो हमारी ऑथराइज जो मनी सेवा की जो हमारी सर्विस है रेल टिकट, जो IRCTC की रेल टिकट सर्विसेज है, अगर कोई भी हमारी वो सर्विस लेना चाहता है तो जो 5,000 रुपए में हम रेलवे टिकट एजेंसी देते हैं वो भी आप एटीसी कॉइन से ले सकते हैं 100% पे करके, या आप कहीं पे भी कोई रेलवे टिकट एजेंट अपॉइंट करते हैं वो एटीसी से पेमेंट करके हम वो रेलवे टिकट की जो एजेंसी है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रेल टिकट एजेंट बनने के लिए कि आप एटीसी कॉइन से 5,000 जो हमारी फीस है वो पे करें और हम आपको ऑथराइज एजेंट IRCTC रेलवे का अपॉइंट करेंगे जी। और कुछ है तो मेरे हिसाब से काफी लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं, KYC को लेकर मेरे घर से कुछ सवाल थे तो। देखो KYC अमित काफी लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, सबसे पहले तो आप हम KYC में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले KYC मांगती है कि KYC कंप्लीट होनी चाहिए, और इनकेस अगर किसी भी यूजर्स का अभी तक KYC अपलोड नहीं हुई है वो support@ohocash के ऊपर अपना यूजर आईडी अपने डॉक्यूमेंट हमको मेल करें, हम ऑफलाइन उनकी KYC कर देंगे इनके अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो। फिर सर एक सवाल वही आया कि जिनके मल्टीपल आईडी है क्रिप्टो इनबॉक्स पर उनका एक ही आईडी ohocash पर, तो उनका लिमिट जैसे कि आपने पहले में भी एक बार शुरुआत में बताया था तो एक बार अगर फिर से रिवाइज कर दे तो जो लेट ज्वाइन है उनको भी पता चल जाएगा मल्टीपल आईडी। बेसिकली क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर मल्टीपल आईडी का ऑप्शन आ गया है, आप वहां पे अपनी आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं, आप एक ही यूजर्स में सारी आईडीज का रेस्पॉन्स देख सकते हैं और धीरे धीरे क्योंकि आज तो मैं अनाउंस नहीं करूंगा, जिन लोगों के लिए मल्टीपल आईडी है उनकी भी लिमिट हम सेपरेट रखेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि कम से कम भी उनको जितने का भी उन्होंने कॉइन परचेज किया हुआ है और 10% उनको हर महीने विड्रॉल की लिमिट मिल जाए, ऐसा हम प्लानिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 12 लाख का कॉइन परचेज किए हुए हैं तो उनको 10% के हिसाब से 1,25,000 की हम लिमिट हमको उनको प्रोवाइड करें जिससे उनका जो कॉइन का जो मूल रेट है वो उनको मिल जाए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने 6,40,000 के जैसे मिस्टर स्वाई थिंक भावेश का एक क्वेश्चन था कि उन्होंने तकरीबन 8 लाख के कॉइन परचेज किए हुए हैं उनको भी क्या 2,000 की लिमिट या 3,000 की लिमिट रहेगी, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने ज्यादा तकरीबन इन्होंने 8,50,000 कॉइन परचेज किए हुए हैं तो इनको भी जो लिमिट रहेगी वो 10% के हिसाब से मतलब 85,000 रुपया हर महीने की आपकी लिमिट रहेगी, आप विड्रॉल कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट करेंगे जिससे आप लोगों को फायदा उसका मिले जी। तो मेरे ख्याल से तो सर काफी सारी इन्फॉर्मेशन आज मिल गई कल के बाद और जो भी
कल से जो भी पॉजिटिव निगेटिव अच्छा बुरा जो भी कुछ चल रहा था उसमें जो लोग जिनके दिमाग में जो सवाल थे और जो लोग डायलेमा पोजीशन में थे दीदा मना स्थिति में थे उनके ढेर सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं और वो भी तबीयत खराब रहने के बावजूद। नहीं ना मैं तो जी तो मैं चाहता हूँ कि अब लोगों को वो विश्वास विश्वास किसी ने खोया नहीं, थोड़ा डगमगा जरूर गया होगा कुछ लोगों का, लेकिन वो भी विश्वास अब वापस आ गया होगा आपके इस अपडेट के बाद में और सारी चीजों के बाद में, चाहे वो मल्टीपल आईडी की बात हो, चाहे सिंगल आईडी की बात हो, चाहे नया कॉइन अरिस्टो बिटकॉइन इंप्रूव या एटीसी की बात हो। तो इसके साथ एक पॉजिटिव नोट आप सबको दे और फिर आप भी आराम करें, क्योंकि आप नहीं, 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 आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा है। तो मैं चाहूंगा पॉजिटिव नोट के साथ में हम लोग आज की इस अपडेट को एंड पर लेके जाए। अमित एक बहुत बड़ी चीज कहूंगा, क्योंकि अब बैठ गया हूँ तो फिर थोड़ा उठने में भी टाइम लगेगा है। मैं एक बहुत बड़ी चीज कहूंगा आपको, टांग उसी की खींच जाती है जिसकी टांग होती है। लोग मींस मैं खुद चाहता हूँ कि बोले लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा जो भी है, मुझे मालूम है मुझे किस मुकाम पे पहुंचना है। मैं लोगों के लिए मुझे आज तक सिंगल है, दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मेरे सिंगल यूजर है, सिंगल आईडी जिन्होंने भी लिया है, मैं उनको आज 2000 रुपए का जो भी वो विड्रॉल कर रहे हैं वो कैश के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, जिनकी मल्टीपल आईडी है ज्यादा है, जिन्होंने कॉइन परचेज किए हो, उनका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है। इतनी सारी समस्याओं से गुजरने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद और मैं जिस पोजिशन पे आज हूँ, शायद एक जो अगला साल होगा, अगला साल जो आज कारवा है वो इतना बड़ा कारवा होगा, इतनी सारी सर्विसेज होंगी। मैं अभी सीएससी के ऑफिस में गया था दिल्ली, तो वो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सारी की सारी हमारे इस क्रिप्टो अनबॉक्स में मिलेंगी। जैसे आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज चाहिए, आपको दस्तावेज चाहिए, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको क्या चाहिए सरकारी, आपको लैंड के पेपर्स चाहिए, आपको दूसरी सर्विसेज है, पैन कार्ड चाहिए, वो सारी चीज हमारे यहाँ पे मिलेंगी। और मैं एक नया नाम देना चाहूंगा और शायद बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जितने भी हमारे मेंबर हैं, जो भी हमारे नेटवर्कर हैं, हम इनको एक नया नाम देंगे जिनका नाम है बिजनेस एडवाइजर। ये आज की डेट में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर की सलाह देने वाले बहुत हैं कि फला डॉक्टर है, आज बिजनेस के एडवाइजर बहुत कम है और आदमी फेल वहीं पे होता है कि वो सही तरीके से उसको एडवाइस नहीं मिल पाती है। अगर उसको सही तरीके से बिजनेस की एडवाइस मिले तो वो काफी कामयाब हो सकता है। और मेरा मोटो यही है कि खासकर नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी फेल इसलिए होती है कि लोगों को एडवाइस नहीं मिल पाती है, उनको नॉलेज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो एक एडवाइस देना, उनको सही तरीके से एजुकेट करना और इस इंडस्ट्रीज का क्या महत्व है, किस तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, ये एक हमारा मोटो है। तो उसी तरीके से हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और शायद मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि एक इंडिया में एक नया तूफान आया है बिजनेस का, और आप सब लोग भी उसी तरीके से काम करें, लोगों को ट्रेंड करें, लोगों को बिजनेस सिखाएं और अच्छी तरीके से बिजनेस करें। और बिल्कुल टेंशन में ना रहें कि 90 रुपए का कैसे 25 रुपए हो गया। आज आप देखेंगे लाइव रेट करने से ही फायदा हुआ है कि आज जो 20-22 रुपए पर रेट चल रहा था वो 25 रुपए क्रॉस कर गया। इसका मतलब लोग चाहते हैं कि लाइव रेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन थे कि वहां पर रेट इतना है तो यहाँ पे रेट इतना क्यों है। और धीरे धीरे जब लाइव रेट होता है तो वहां पे रेट बढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे रेट कम था, अब जब इक्वल रेट होंगे तो ऑटोमेटिकल रेट बढ़ेगा और काफी अच्छा रेट बढ़ेगा, क्योंकि एटीसी अब मास्टर कॉइन बन चुका है और जब मास्टर कॉइन होता है तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ती है। तो शायद अमित मेरे हिसाब से एक आध चीज और देख लें, शायद जो लेट ज्वाइन हुए हैं, तो प्रशांत गुप्ता जी का है, साइड इज एडवाइस प्लीज डू नॉट इंट्रोड्यूस आईसीओ इन कंपटीशन ऑफ एटीसी विल बी डू नेगेटिव टू। प्रशांत एक चीज बताऊंगा आपको, ये आपने एडवाइस अच्छी दी है कि दूसरे कॉइन को, बेसिकली हम दुकानदार हैं, हम एक मार्केट प्लेस लेके बैठे हैं और मार्केट प्लेस में आज जितने भी नेटवर्कर जुड़े हुए हैं, अब उनको दूसरा कर एक सिंपल लॉजिक है, उनको कोई कॉइन परचेज करना जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो दूसरे के पास जाएगा, इसलिए
हम एक मार्केट प्लेस है, और मार्केट प्लेस में किसी का भी कॉइन वहां पर रजिस्टर्ड हो सकता है और इससे वैल्यू बढ़ेगी। मीन्स आज ओहो कैश पे भी हम सारे कॉइन रजिस्टर्ड करेंगे हम, क्योंकि बेसिकली जब हमारे पास में आप लोगों ने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है तो एक ही जगह सारे सर्विस अगर मिले, एक ही जगह आपको सारे कॉइन मिले, तो क्यों आप दूसरे इधर उधर भागेंगे। तो मेरा मोटो यही है कि मैं ईगो में ना आके मैं वो सारी सर्विसेज, वो सारे कॉइन प्रोवाइड करूं जो एक, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। थोड़ा सा बताऊंगा कि प्रशांत ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मींस ऐसा होता है कि आप अपनी पॉकेट में 10 कॉइन रखो, आप सिंगल कॉइन मत रखो। किसी का रेट बढ़ रहा है तो किसी गिर रहा है, डिपेंडेंसी सिंगल कॉइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब मल्टीपल करेंसी या मल्टीपल सर्विसेज आपके पास रहेंगी तो एक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अथवा कोई भी चीज के लिए आपको डिपेंडेंस एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और मैं पहले भी कहता आया था, आज दोबारा भी कह रहा हूँ इस चीज को, कि मैं किसी नेटवर्कर को भी नहीं बोलता हूँ कि भाई आप मेरे साथ ही काम करो 100%। आपको लगता है तो करो, नहीं लगता तो उस कंपनी में काम करो, वहां से बेनिफिट लो जहां से आपको बेनिफिट मिलता है। और मैंने आज तक ये भी नहीं कहा, क्योंकि जब मैं कॉइन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखता हूं तो मैं एक पर्सन के बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंसी क्यों रखूं। इसलिए मैंने मल्टीपल सर्विसेज इसमें लॉन्च की हैं, मल्टीपल कॉइन इसके अंदर रखे हैं और भी इतने सारे आईसीओ होंगे, क्योंकि हमारे पास में आप जो जैसे लोगों का नेटवर्क है, जब नेटवर्क होता है तो उसमें फायदा आपको आपको होगा। अब मेरे पास में अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है और आप डिमांड करते तो मैं क्या करूंगा। तो मेरा मत कहने का मतलब वही है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल कॉइन होने बहुत जरूरी है। और शायद जैसे ही ये जो एटीसी का जो क्रिप्टो इनवॉक्स जो है, ये मार्केट प्लेस है, अगर कॉइन पूरा सेल हो जाता है तो उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्सचेंज पे आ गया वो, वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, हमें क्रिप्टो इनबॉक्स पर तो ट्रेडिंग नहीं चल रही है तो ट्रेडिंग कहाँ पे होगी, वो एक्सचेंज पे होगी। कॉइन गया एक्सचेंज के ऊपर, जब कॉइन एक्सचेंज पे चला गया और यहाँ पे माल बेचने के लिए नहीं है तो मुझे तो माल, एक दुकानदार हूं मैं, मुझे माल बेचने के लिए वहां पे लाना पड़ेगा कि लोग परचेज कर सके। शायद प्रशांत आपको मेरी बात का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं मेरे मेल आईडी के ऊपर। निमेश धीमर जी कह रहे हैं दूसरे एक्सचेंज में एटीसी कॉइन लेटमेंट 15 से 20 दिन के अंदर निमेश भाई दूसरे एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। परमवीर भाई साहब कह रहे हैं कि जो परमवीर सिंह बेदी जी हैं कि जो नया कॉइन है वो 100% एटीसी से मिलेगा। जो नया कॉइन आएगा उसमें 75% एटीसी होगा और 25% INR होगा, क्योंकि हमें प्रमोशन के लिए भी उसको प्रमोट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा वहीं से आएगा जब आप हमें पैसा देंगे तो हम उसको प्रमोट करेंगे। जब हम प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो हमें प्रमोशंस के लिए 25% हम लोग ले रहे हैं, उससे ज्यादा धीरे धीरे काफी कॉइन ऐसे होंगे जो 100% एटीसी से आएंगे, धीरे धीरे डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसमें वर्क करेंगे। शायद मेरे हिसाब से काफी लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और अमित आपका भी धन्यवाद कि आप ऑफिस से घर पे आ गए। सर धन्यवाद, हम सब आपका देना चाहते हैं कि आपकी तबीयत खराब रहने के बावजूद आपने इतना समय निकाला। नहीं, नहीं, और आप घर में भी थे तो मुझे मालूम है आप दिन भर काम कर रहे थे, लेकिन मैं जब से आया हूँ 1 घंटे से लगभग आपके साथ तो देख ही रहा हूँ, आप तब भी काम कर रहे थे, आप अभी भी काम कर रहे हैं, और हमें ये भी मालूम है कि तबीयत खराब रहने के बावजूद। लेकिन मैं मेरे सारे एडीसी के दोस्तों के पास बताना चाहूंगा कि वाकई में सुभाष सर की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, कंप्लीटली बेड रेस्ट उनको बताया जाए डॉक्टरों के माध्यम से, डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन फिर भी जैसा वो हमेशा हम लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, आज भी उन्होंने उस परिस्थिति में भी हम लोगों के लिए समय निकाला, तो हम सबको उन्हें जरूर धन्यवाद कहना चाहिए। आप जहां हो, जैसे जहां पे हो, वहां से आप उनको दिल से धन्यवाद अगर कहेंगे और इस बात की उम्मीद भी अगर करेंगे और ऊपर वाले से जरूर प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो फिर एक बार तंदुरुस्त होकर हम लोगों के बीच में आ जाए, तो ये जो कुछ वो हम लोगों के लिए करना चाहते हैं वो तुरंत तुरंत सारी चीजें सही हो जाएगी। और आने वाले 2 तारीख का हमें इंतजार करना है, क्योंकि 2 तारीख को एक धमाकेदार नया कॉइन जो कि केवल 1 रुपए में 75% एटीसी और 25% INR में सर हमें देने जा रहे हैं, तो सब लोग तैयारी कर लेते हैं नए कॉइन के आगमन की, उसके लॉन्चिंग की, और जोरदार तरीके से काम पर लग जाने की शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो फिर आजू बाजू से कितनी भी आवाज आए ध्यान काम पर रहता है,
ये आज के सर के सारे मार्गदर्शन का मैं एक्सट्रैक्ट लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्रशांत का एक, क्योंकि प्रशांत भाई काफी शायद एक्सपर्ट है क्रिप्टो करेंसी से, तो उनका एक क्वेश्चन है कि हमको इंटरनेशनल आईसीओ इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते, कर देते हैं जो हमारा खुद का ना हो के दूसरे लोगों का। ये फैक्ट बात है एक, क्योंकि मेरे मित्र भी वो है और मैं उनको जानता भी हूँ। ऑस्ट्रेलिया का एक कॉइन हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका व्हाइट पेपर मेरे पास आ चुका है, मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ। करीब 10 से 12 इंटरनेशनल कॉइन आएंगे और वो जो कॉइन होगा वो 100% सिक्योर कॉइन होगा, क्योंकि उस कॉइन के सामने आपको असेट्स मिलेगी। असेट्स में सोलर प्लांट मिलेगा और उस सोलर प्लांट की जो इक्विटी होगी वो कॉइन की इक्विटी होगी, और जब कॉइन की इक्विटी होगी तो ऑटोमेटिकली ये शायद पहला कॉइन ऐसा होगा जो अभी आ रहा है, जो मेरे फ्रेंड का है जिसको मैं लॉन्च करूंगा ऑस्ट्रेलिया से। जैसे मैं बताया था कि कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली मिला था, वो मुझे सोलर का उन्होंने ऑफर किया कि आप एक किसी कॉइन से सोलर पैनल लगाएगा। उनका खुद का एक आईसीओ है जिसको सिर्फ एक्सक्लूसिव मैं लॉन्च कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, और इंडिया के लोगों के लिए वो कॉइन होगा। और वो जो पैनल लगाएंगे, जो सोलर प्लांट लगाएंगे, वो भी इंडिया में लगाएंगे और जिसमें भारत सरकार की पार्टनरशिप होगी। मतलब ये पहला कॉइन ऐसा होगा जिसमें भारत सरकार की पार्टनरशिप के साथ में वो कॉइन इंडिया में आ रहा है। मीन्स पार्टनरशिप कॉइन में नहीं होगी, पार्टनरशिप उस कंपनी में है जो उस सोलर प्लांट को लगा रही है, और वो सोलर प्लांट जो लगेगा वो 4 से 5 जगह लगेगा जिससे वो एनर्जी जनरेट होगी, और उसकी जो रिवेन्यू जनरेट होगी उसका बेनिफिट कॉइन होल्डर को मिलेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो शायद मेरी बात का आपको जवाब मिल गया होगा। तो सो आई थिंक मैं अभी खत्म करता हूँ। तो अरविंद जी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्चुअल में कुछ लोग हैं अरविंद जो कॉन्फिडेंस तो मेरे कभी टूटता भी नहीं, मैं कभी झांकता भी नहीं, लेकिन अननेसेसरी के ऐसे लोग होते हैं जैसे कहते हैं ना वो अंधेरा है तो जाग जाओ, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, मिस्टर कौन है वो, तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे तूफान आ रहा है ये, मतलब पर ये है सब चलता रहता है, कॉमेडी है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और शायद मुझे एक दो दिन और आराम करना पड़ेगा, और आराम करके फिर मैं तुम्हारा बीच में आऊंगा। और 1-2 तारीख को शायद हम लोग जो नया कॉइन लेके आ रहे हैं वो आपको एक्सचेंज में मिलेगा, क्रिप्टो इनबॉक्स में मिलेगा, और सारी सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। कुछ डिले हो गया था जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।